मिशा रायजादा, आई एम अ यूट्यूबर और आज मैं इस समय हम्पी में हूँ एंड वी आर हेडिंग टू हिप्पी आइलैंड टुडे। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग अभी होटल में हैं। होटल की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप प्लीज मेरा पिछला व्लॉग चेकआउट करें। सो या लेट्स गो एक्सप्लोर हम्पी। हम्पी में तुंगभद्रा नदी बहती है जिसके उस पार है हिप्पी आइलैंड। आप वहाँ रोड या बोट दोनों से जा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बोटिंग करने जाना चाह रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लोकल से पूछते पाछते आए हैं कि सनापुर लेक किधर है जहाँ पे बोटिंग होती है, कोरेकल राइड्स। तो अभी हम लोग एक ब्रिज टाइप की जगह पे पहुँचे हैं। कह रहे हैं लोग कि आगे जाके ही मिलेगा वो। सो या लेट्स सी। हम लोग सही रास्ते पे ही थे। हम लोग ब्रिज जैसे ही हमने क्रॉस किया, हमारे लेफ्ट साइड पे ये लेक था जो मेरे पीछे है और अब हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कोरेकल के चार्जेस हैं 1500 फॉर वन कोरेकल लंबी राइड के लिए। 4 to 6 पीपल बैठ सकते हैं एंड फॉर अ शॉर्टर राइड इट विल बी अबाउट 800 to 1000। उसमें भी 4 to 6 पीपल बैठ सकते हैं। सेटिंग इन द कोरेकल। ये वेदर आने का बेस्ट है। समय दिसंबर चल रहा है, धूप है लेकिन द हवा इज कूल तो बिल्कुल भी धूप लग नहीं रही है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी रिलैक्सिंग, वेरी पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने कोरेकल राइड कर ली है। इट वॉज वेरी गुड। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कमिंग हियर अगर आप हम्पी आ रहे हो। इसके टाइमिंग्स है सुबह 6:30 से स्टार्ट होता है एंड शाम के 6:30 के अराउंड तक चलता है। आई वुड रिकमेंड कमिंग या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग, क्योंकि अगर दोपहर के टाइम आएंगे तो सर पे एकदम धूप पड़ेगी जैसे अभी हमें पड़ रही है। हालांकि इस समय वेदर इज़ नाइस, बट अगर आप किसी गर्मी के मौसम में आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कमिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। यहाँ पे आए हैं पंपस सरोवर करके एक जगह थी, बट जो एक्चुअल पंपस सरोवर है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ रिपेयर वर्क्स चल रहे हैं तो वो तो अभी फंक्शनल नहीं है। बट ऊपर यहाँ पे शबरी आश्रम है, रामपद करके कुछ है, तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। मंदिर के पास भी पूरा कंस्ट्रक्शन एंड ऑल चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे पीछे ये शबरी केव है अंदर एंड रामपद भी अपेरेंटली अंदर ही है। तो ये है शबरी केव, अंदर लाइट होनी चाहिए थी बट है नहीं। तो ये केव के अंदर ऐसा सीन है। हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, हमने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है। तो मैंने आपको कैमरा में दिखाया, हम उतना ही देख पाए, उससे ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा झुक के अंदर आगे है, अगर है भी तो पूरा अंधेरा है वहाँ पे। और यहाँ पे कोई हमें गाइड करने के लिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड ऑल चल रहा है। अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे विच इज़ आनेगुंडी विलेज। हम लोग जाएंगे वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स देखने।
फिर हम पहुंचे आनीगुंडी विलेज, जहां पे ढूंढते ढूंढते हम फाइनली पहुंचे मीरा के घर। मीरा इज अ सोशल वर्कर जो बेल्जियम से कई साल पहले इंडिया में सेटल हो गई थी और तब से वो यहाँ की लोकल औरतों को हेल्प करती हैं बनाना हैंडीक्राफ्ट सेल करने में। And you see, I am a long time in this area, 40 years now. Since 2003, I have been social worker for the banana fiber handicraft. This is a very nice topic. This is a very nice product because you don't damage the nature when you make this. You know, it's the bark of the banana tree. From this, they do the yarn, the rope. Then the process is splicing first, soaking in the water. This is the yarn. And the yarn will be somewhere very thin. Then we make the coaster, we make the small bag, but it can be very, very thick. And then come here. And then when it's really thick, so thick, then you have the floor mat, you see? And this also is a thickness yarn. This is a huge bag, expensive because the cloth is a lot of cloth. मीरा और उनकी स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो इतने सालों से हमारी देश की औरतों की हेल्प कर रही हैं बिना किसी प्रॉफिट या फायदे के लिए। I am not a money making person. We have to sell, of course, because there is payment and the basic things, you know. I am not owning the business. Of course, the final responsibility for an order or the GST filing and the audit is me. Because the women don't know how to go to office and to talk. And I know all these people. The problem with any NGO over the world or in India, they only want to do things which bring the money. A purely charity giving work to the community, they rarely do. And for me, I just need the money from the sale to pay the artisan, the rent room, the GST monthly, any sale, the electricity bill and my rickshaw with going to the courier, you know. This is why we need the money. Just money comes from the sale, money is spent. अगर आप हम भी आते हैं तो हमसा जरूर आइएगा। अगर आपसे हो सके तो इनको जरूर सपोर्ट करें। इनकी वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Ma'am, what is your name? Meera. I mean, Meera is the name that I got 20 years ago in India by Swamiji in North India. But my really official name for all the paper, passport, visa is Michelle. Nice to meet you, Michelle, yeah. Meera. हम लोग सनापुर विलेज में आए हैं लंच करने के लिए एट दिस प्लेस कॉल्ड द लाफिंग बुद्धा कैफे। मैंने इंटरनेट पे इसका काफी नाम सुना था तो आई थॉट कि हमें इसको ट्राई करना चाहिए। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस प्लेस। दिस इज सो क्यूट, इतना एस्थेटिक सा क्यूट सा कैफे। आई रियली लव द प्लेस, आई रियली लव द वाइब। देर आर टू सीटिंग एरियाज, एक जहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं एंड एक यहाँ पे एक ऐसा ये एरिया है जहाँ पे आप आराम से नीचे बैठ के खा सकते हो। यहाँ का मेन्यू इज ऑल्सो वेरी अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगा था कि साउथ इंडियन टाइप्स खाना ही मिलेगा, बट दे हैव मैक्सिकन, दे हैव इटालियन, दे हैव इजरायली। हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है तो उन्होंने बोला पिज्ज़ा, पास्ता, ये सब। तो हमने एक पास्ता और एक पिज्ज़ा मंगाया है। We are done with the food here. The food was really good. The pasta and the pizza both were very tasty. Khana aane mein thoda sa time laga tha, but that's because yahan pe wo log sab freshly banate hain. This place is great and I would definitely recommend coming here. To Hippie Island mein thoda network ka issue rehta hai. Anegundi village mein network sahi se mil gaya tha. Sanapur village mein thoda bahut network mil raha hai. To maine socha ki main aapko bata dun ki yahan pe thoda network ka issue rehta hai. तो हम लोग अपने आज के फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं।
विच इज़ द अंजनेया पर्वत। हम लोग यहाँ पे हनुमान टेम्पल जाएंगे। हमें 575 स्टेप्स चढ़ के जाना है ऊपर पहुँचने के लिए, तो आप तभी आइएगा व्हेन यू आर रेडी टू क्लाइम। इतना हमें तो जाना था, मेरा तो मन था कि मैं ये टेम्पल देखूँ, बिकॉज दिस इज़ बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी। सो या यहाँ से दिख रही हैं ये पूरा स्टेज चढ़ के, वो ऊपर जो है वहाँ मंदिर है। तो हम लोग स्टेप्स चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, सांस फूल रही ऑब्वियसली क्योंकि आदत नहीं है इतना ज़्यादा चढ़ने की। बट आप देख सकते हो पूरा स्टेप्स में ऐसे ये साइड में लगा हुआ है अभी तक, एटलीस्ट जितना हम लोग चल के आए हैं। तो हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, आप भी रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो, जब भी आपको ब्रेक लेना हो आई वुड सजेस्ट पानी लेके आओ। हम लोग पानी नहीं लेके आए हैं तो हमें प्यास लग रही है, बट अगर आप आ रहे हो तो याद से पानी की बॉटल लेके आ जाना। यहाँ ऐसे रास्ते में बेंचेस भी हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो। मेहनत तो थी लेकिन चढ़ते समय जो व्यूज देखे हमने उनकी बात ही कुछ और थी। गाइस आप मेरी हालत देख ही रहे हो, पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं, सांस फूल रही बहुत ज़्यादा। और पानी हमें सीरियसली लेके आना चाहिए था क्योंकि पानी होता तो थोड़ा बेटर लगता, बट वी डिड नॉट ब्रिंग वाटर और गला एकदम सूख रहा है। एंड ऊपर से जब लोग आ रहे हैं तो मास्क भी पहन के चढ़ना पड़ रहा है, तो इट्स मेकिंग इट इवन मोर डिफ़िकल्ट। आधा रास्ता आए तो वापस तो नहीं जाएंगे यहाँ से, पूरा चढ़ेंगे ही। बट या मैं आपको रियल टाइम अपना हालत बता रही हूँ ताकि आप भी सोच समझ के ही आओ। तो अभी भी हमको काफ़ी क्लाइम करना बचा है टेंपल। यहाँ पे फ्लैग्स दिख रहे हैं, हमें अभी इतना क्लाइम और करना है, बट वी आर गेटिंग देयर स्लोली। फाइनली ऊपर आ गए हैं एंड द क्लाइंब वॉज सो वर्थ इट। जस्ट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। पूरा का पूरा हम्पी दिख रहा है यहाँ से, सारे हिल्स दिख रहे हैं, इट इज़ ब्रेथ टेकिंग, द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। द टेम्पल इज़ वेरी नाइस अंदर से, छोटा सा टेम्पल है, बहुत बड़ा नहीं है। अंदर अंजनेया माता भी हैं, हनुमान जी का भी है और रामपद भी है, तो तीन चीज़ें हैं अंदर देखने के लिए टेम्पल में। शूट नहीं कर सकते थे अंदर तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती कैमरा पे, पर मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे ऊपर काफ़ी सारे बंदर भी हैं, तो अगर आप खाने पीने का सामान लेके आएंगे तो उसको ध्यान से बाहर निकालिएगा क्योंकि वो आपसे ले भी सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ क्लाइंबिंग अप हियर वॉज मीटिंग पीपल अलॉन्ग द वे, दे वर ऑल वेरी नाइस। सब लोग साथ में चढ़ रहे थे, सब लोग साथ में हाँफ रहे थे, एंड आई मेट टू वेरी नाइस पीपल। वन वॉज सुरिंदर फ्रॉम चंडीगढ़, शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी, एंड देर वॉज दिस गाय फ्रॉम पोलैंड हु वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग। या दिस वॉज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस, एंड ऊपर आके हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक दिस वॉज अ वेरी फ्रूटफुल क्लाइंब एंड आई डो नॉट रिग्रेट इट एट ऑल, डेफिनेटली आई लव्ड इट। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, हमारा डे अब ओवर हो चुका है, मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। हम लोग वापस आ गए होटल में
We were very tired after all the traveling and all the climbing. आपने मेरी हालत देखी ली. So yeah, that was it for this vlog. I hope you guys found it informative. Don't forget to hit the subscribe button, hit the like button, share this video with your friends, and don't forget to press the bell icon so that you get notified every time I post a video. Thank you so much for watching. Bye.